हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम जय राधा माधव के कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज दिवारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनशारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। श्री श्री राधा माधव की जय, राधा गोविंद की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम आदि खंड से श्रवण कर रहे थे। आदि खंड में हमने प्रारंभ में सभी खंडों का इंट्रोडक्शन श्रवण किया। संक्षिप्त में किस किस खंड में कौन सी लीला हुई। आदि खंड में भगवान के बाल्य काल से चैतन्य महाप्रभु के बाल्य काल से लेके हरिनाम दीक्षा तक की लीला हुई गया जाने तक। इसके पश्चात भगवान ने संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट किया नवदीप में। तो संकीर्तन आंदोलन से स्टार्ट करने से लेके संन्यास लेने तक मध्य लीला, और संन्यास के पश्चात जो लीला हुई जगन्नाथपुरी में वो सब थी अंत्य लीला। अब जो है आज से हम आदि खंड, वास्तव में जो आदि खंड में सारी लीला है बाल्य लीला है उसका श्रवण करेंगे। उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आजानुलंबित भुजौ
कनकावदातौ संकेतनाय संकेतनायिका पितरौ कमलायत आक्षु विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालयो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। इसके साथ हम आदि खंड स्टार्ट करते हैं। जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर। महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र की जय हो, जो सारे ईश्वरों के ईश्वर। जय जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन, जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण। नित्यानंद प्रभु गदाधर प्रभु की जय हो। इन नित्यानंद गदाधर के प्रभु के जो प्राण हैं, प्राण धरे ये गौर सुंदर हैं। उन सभी के अद्वैत प्रभु की जय हो। अद्वैत प्रभु के अद्वैत आश्रय की जाए। तो इसमें बताते हैं इसकी कमेंट्री में कि गदाधर पंडित गोस्वामी जो हैं वो महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से एक हैं। वो शक्ति तत्व हैं, तो वो भगवान के नवदीप लीला में और नीलांचल जगन्नाथपुरी लीला दोनों में उपस्थित थे। पहले उन्होंने नवदीप में सेवा की, बाद में वो क्षेत्र सन्यासी बन के। क्षेत्र सन्यासी का मतलब होता है जो सन्यास तो लिया लेकिन पूरी पृथ्वी पे नहीं घूमता, केवल उसी क्षेत्र में घूमता है। सन्यास तो लिया लेकिन जनरली सन्यासी पूरे पृथ्वी पे घूमते हैं, लेकिन क्षेत्र सन्यासी का मतलब उसी क्षेत्र में रहेगा। तो पहले वो नवदीप में रहे, बाद में वो क्षेत्र सन्यासी बन गए। एक वन में जो नीलांचल के पास में वैसे शुद्ध भक्त जो भगवान के श्री श्री राधा गोविंद के माधुरी लीला का पूजन करते हैं वो गदाधर का शरण लेते हैं। और इस प्रकार से गौर महाप्रभु के गौरचंद्र के अंतरंग पार्षद बनते हैं। जो लोग भगवान की माधुरी लीला को भगवान की माधुरी लीला के बारे में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है वो नित्यानंद प्रभु की शरण लेते हैं। तो भगवान के दोनों रूपों की शरण, एक गदाधर पंडित देते हैं, एक नित्यानंद प्रभु देते हैं। तो जब माधुरी लीला के बारे में बहुत उत्साही नहीं है वो नित्यानंद प्रभु की शरण लेते हैं, जब माधुरी लीला के बारे में उत्साही है वो गदाधर पंडित की शरण लेते हैं। क्योंकि गदाधर पंडित राधा रानी का अंश और नित्यानंद प्रभु बलराम का अंश। तो बलराम और नित्यानंद दोनों ही, बलराम जी और राधा रानी दोनों ही भगवान के अंश से एक विस्तार है भगवान की शक्ति। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कुछ डिवोटी नरहरि वो गदाधर पंडित के फॉलोअर, तो कई लोग उनको प्राण धन बोलते हैं। किसके? महाप्रभु के। कई लोग नित्यानंद के प्रभु के प्राण धन बोलते हैं महाप्रभु को, कई लोग उनको गदाधर पंडित के प्राण धन बोलते हैं, लेकिन दोनों ही हैं। लेकिन गौर सुंदर साथ में अद्वैत प्रभु के भी प्राण धन थे और श्रीवास पंडित के भी प्राण धन।
पंच तत्वों को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया। गौर सुंदर जो है भक्त के रूप में है, नित्यानंद प्रभु भक्त का विस्तार है, अद्वैत आचार्य भक्त, भक्ति अवतार, भक्ति का अवतार है गदाधर पंडित, भक्त की शक्ति है और श्रीवास पंडित शुद्ध भक्त। तो पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, गौर सुंदर भक्त रूप में है, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त स्वरूप में है नित्यानंद प्रभु, भक्तावतारम अद्वैताचार्य अवतार में आए भक्ति में, लेकिन भगवान के अवतार का भक्तावतार, भक्ताख्याम मतलब श्रीवास पंडित और नमामि भक्त शक्ति कम गदाधर पंडित। आगे तीसरे श्लोक में बोला गया है, भक्त गोष्ठी सहिता गौरांगे जय जय, सुनीते चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। गौरांग महाप्रभु और उनके पार्षदों की जय हो। चैतन्य महाप्रभु के टॉपिक, गौरांग महाप्रभु के टॉप जो विषय है उनको सुनने से व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे भक्त गोष्ठी शब्द का अर्थ है लॉर्ड गौरसुंदर, गौरसुंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके चार मुख्य भक्त जिसमें नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। केवल मात्र चैतन्य श्रीमन महाप्रभु के, श्रीमन महाप्रभु के केवल लीला सुनने से व्यक्ति की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है रिवाइव हो जाती है। और तो जो है उसके कार्यकलाप, व्यक्ति जब अपनी संवैधानिक स्थिति में कार्य करता है, चैतन्य महाप्रभु के ज्ञान में, उनके प्रकाश में और उनकी महिमा में, इससे जीव की, जीव के कर्ण में भक्ति का पोषण होता है। जब ये जीव जागृत होता है अपनी संवैधानिक स्थिति के बारे में, कार्यकलापों के बारे में, तो वो गौर कृष्ण की सेवा में पूरी तरीके से व्यस्त हो जाता है। इसका मतलब है कि वो शुद्ध भक्ति परफॉर्म करता है, किस ज्ञान में, उसके भगवान के जो संबंध है उस ज्ञान में। पुनः भक्त संगे प्रभु पाद नमस्कार स्फुरते जीवय गौर चंद्र अवतार। तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे कहते हैं, मैं पुनः उन श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों को प्रणाम करता हूं और उनकी कृपा से, गौरचंद्र कृपा से, उनकी लीलाओं के जो विषय है मेरे जीवा पे आए। यहां पर बोला गया भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर बोलते हैं, इस इच्छा के साथ कि उनके टॉपिक जो है, उनके विषय मेरी जीवा पे आए, गौरचंद्र की लीलाओं के विषय। वृंदावन दास ठाकुर फिर से प्रणाम करते हैं रिस्पेक्टफुली भगवान को और उनके पार्षदों को, और प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके
लीलाएं उनके जीवा पर अवतरित हो, प्रकाशित हो। गौर सुंदर की लीला। जय जय श्री करुणा सिंधु गौर चंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। गौर चंद्र की जय हो, जो करुणा के सिंधु है। नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो भक्त मूर्ति है, भक्ति की मूर्ति है। गौर हरि तो कृपा सिंधु है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में लिखा आदि लीला में। अगर किसी को लॉजिक लगाना है, तर्क लगाना है, कोई लॉजिक और तर्क लगाने में, आर्ग्यूमेंट वाद विवाद में और तर्क में बहुत एक्सपर्ट है, अगर कोई व्यक्ति वाद विवाद तर्क में बहुत एक्सपर्ट है, तो उसको चैतन्य महाप्रभु कृपा पे लगाए कि कैसे मिलती वो कृपा, कहाँ से मिलती वो, इतने बड़े कृपा सिंधु कैसे हैं, उस पे लगाए। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो इसको बहुत उसके बहुत आश्चर्य होगा। श्री रूप गोस्वामी ने उनको प्रणाम करके उनको ग्लोरीफाई किया, महावदन्य बोला है। बहुत उदारी उदारी बोला है, कृष्ण प्रेम प्रदायते बोला है, कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण स्वयं माधुरी लीला की मूर्ति है। वो ये भी गौर लीला में औदारी मूर्ति बन गया है, जो माधुरी लीला करते थे अभी औदारी लीला कर रहे। नित्यानंद प्रभु उनकी सेवा की मूर्ति है। गौर सुंदर के सेवक होने के नाते नित्यानंद प्रभु जो है गौरांग महाप्रभु की, गौर सुंदर की, गौर चंद्र की सेवा करते हैं और शुद्ध भक्ति के भगवान है। हालांकि नित्यानंद राम स्वयं भी ईश्वरों के ईश्वर हैं, स्वयं विष्णु हैं, लेकिन वो इस यहाँ पे स्वयं रूप गौर स्वयं रूप है, उनकी सेवा करते हैं, उनके असिस्टेंट इस पास टाइम में, इस लीला में। नित्यानंद प्रभु कैसे सर्व करते हैं हमने पिछले बहुत सुना है, 10 अपने 10 रूपों में सर्व करते हैं, उनके उनके बिस्तर के रूप में, उनके छाते के रूप में, उनके धाम के रूप में, उनके आसन के रूप में, उनके माता पिता के रूप में, उनकी लकुटी के रूप में, कई जगह नित्यानंद प्रभु का भी मूर्ति इस प्रकार विग्रह जो है नवदीप और जगन्नाथपुरी में देखा जाता है। आगे बोला, अभी जानता तत्व दुई भाई आर भक्त, तथापि कृपया तत्व करे न सुयत। हालांकि इन दोनों भाइयों और उनके भक्तों के बारे में किसी को भी जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके जो भक्त हैं वो इनकी कृपा से जान पाते हैं। गौर और निताय और उनके शुद्ध भक्त भौतिक इंद्रियों के समझे नहीं जा सकते, वो सचित है। इसलिए जो इस भौतिक जगत के गर्वित ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो केवल इंद्रिय तृप्ति में, इसलिए उनको समझ नहीं पाते, उनको रियल फॉर्म को, वास्तविक रूप को समझ नहीं पाते, क्योंकि भौतिक व्यक्ति हैं, इंद्रिय भोग वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जो दोनों भगवान है, ये कृपा पूर्वक अपने इस उस अचिंतनीय रूप को प्रदर्शित कर पाते हैं उन लोगों को, जिन्होंने इनको इनके शरणागत में चले गए, जो इनके शरणागत हो गए।
कविराज गोस्वामी बताते हैं गौर निताई की प्रार्थना करते हैं, चैतन्य चैतन्य बोलते हैं, ऐसे गौर निताय को मैं प्रणाम करता हूँ जो सन और मून के, सूर्य और चंद्रमा के समान है। ये दोनों ही गौर देश के क्षितिज में उदित हुए हैं अंधकार को दूर करने के लिए और सभी को आशीर्वाद देने के। हालांकि चेतन चरितामृत में लिखते हैं ये दोनों भाई अंधकार को दूर करते हैं, हृदय के अंधकार को दूर करते हैं, इस प्रकार दो भगवान मिलने के। ये दो भागवत मिलते हैं, यहाँ पे जो अविज्ञात तत्व आया है वो दो, वो बताता है कि इन दोनों भाइयों के बारे में जो सत्य है वो उन लोगों को पता नहीं जो इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त कर रहे, वो भौतिक इंद्रियों के ज्ञान के ऊपर। ब्रह्मादिरा स्फुति है कृष्णेर कृपा है। जो ब्रह्मा के बारे में ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो भी कृष्ण की कृपा से ही मिलता है, बढ़ता है। सारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा जी का भी जो ज्ञान है कृष्ण की कृपा से मिलता है। प्रचोदिते येन पुरा सरस्वती वेतनावत अजयस्या सतिम स्मृतिम हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्चतः समे ऋषिनाम ऋषभ प्रसिदात। प्रार्थना ये वो भगवान मुझसे प्रसन्न हो जिन्होंने इस सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के ज्ञान को बढ़ाया। ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करके भागवतम का पहला श्लोक और उनको पूरे ज्ञान से सृष्टि का कार्य करने की प्रेरणा दी। और स्वयं भगवान जो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए मुझसे प्रसन्न हो। तो महाराजा परीक्षित ने जब सुखदेव गोस्वामी से भगवान हरि के क्रिएशन पास्ट टाइम के बारे में पूछा, सृष्टि की रचना के बारे में, सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले उन्होंने भगवान को याद किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनकी प्रार्थना की श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में। तो श्रीमद् भागवतम में कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें वर्णन आता है किस प्रकार ब्रह्मा जी जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर है, आदि गुरु हैं, ब्रह्म संप्रदाय के हम लोगों के आदि गुरु हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुना। श्रीमद् भागवतम जो सारे वेदों का पका हुआ फल है, लॉर्ड नारायण से सुना और उसका पहला पैसेज ही था तेने ब्रह्म हृदय या आदि कविये, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये। वो जो फर्स्ट व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है वो नारायण, उसी ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी,
तेने भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में, जो आदि कवि उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित। भागवतम का पहले स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक, आगे भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं, मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्य मदात्मक। मैंने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, क्योंकि मैं स्वयं मदात्मक, ब्रह्म प्रोक्ता धर्मो यस्य मदात्मक, मैं क्योंकि मैं स्वयं ही धर्मों का सिद्धांत हूं, इसलिए पहले बोला गया धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीत। भगवान जो बोलते वही धर्म है, लोग जो बोलते हैं वो धर्म नहीं है, भगवान जो बोलते हैं धर्म। लेकिन इस भौतिक संसार में जो लोग बोलते हैं वो धर्म होता है और भगवान को इग्नोर किया जाता है। अरे लोग बोल रहा है, ये समाज बोल रहा है, ये रिवाज है, वो रिवाज है, व्यक्ति ऐसा उसमें जकड़ जाता है, ऐसा जकड़ जाता है कि जो ओरिजिनल रिवाज है वो भूल जाता है। ये रिवाज, वैसे रिवाज उर्दू शब्द है, लेकिन ये रिवाज ये है, ये 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 फैशन है, ये फैशन है, ये रिवाज है। ये लोग बोलते हैं, ये समाज बोलता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, व्यक्ति के ऐसा जंजाल में फंसाया जाता है इन रिवाजों में, इन फैशन में, वो उसमें जकड़ा रहता है, जिससे भगवान से दूर होता रहे, ओरिजिनल चीज को समझ नहीं पाए, आसपास सब उसको उस तरीके से ऐसा कंफ्यूज भ्रमित करते हैं। अरे लोग क्या बोलेंगे, ये तो रिवाज है, ये फैशन है, ये लोग सोचते समाज है। थोड़े दिनों बाद ना लोक रहते, ना रिवाज रहते, ना समाज रहते, सब भूल जाते। व्यक्ति कहीं का कहीं चला जाता, कहीं कहीं चला जाता, कुछ वो भूल जाते हैं थोड़ा। मेमोरी तो कलयुग में विशेष है, लेकिन बस उस समय जो भ्रमित होकर कार्य किया जाता है, और रिवाज और सोशल कस्टम ये भी बदलते रहते हैं। 30 साल पहले कुछ रिवाज और कुछ सोशल था, उसका उल्टा हो जाता है, 30 साल बाद उसका उल्टा हो जाता है। कौन कब कैसे बना लेता है पता नहीं लगता। इदं भागवत पूर्व ब्रह्मणे नहीं पंकज पंकजे अम प्रकाशितम। कई जगह आ रहा है भागवत में, 12 स्कंद में आता है, ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी थे जिनको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ने पहले श्रीमद् भागवतम फुल बताया। ये सब एक ही श्लोक आ रहे हैं पहले, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, इसी का ही इदम भागवत पूर्वम ब्रह्मा ने नहीं पंकजे सम प्रकाशितम। पंकज से उत्पन्न वाले ब्रह्मा जी को ब्रह्म ने ना भी पंकजे प्रकाशितम। ब्रह्मा जी वो जो भगवान की नाभि से उत्पन्न है। कस्मै येन विविष्टो यम अतुलो जन प्रदीप पूर्व। कौन है व्यक्ति है जिसने प्रारंभ में इस ज्ञान के प्रकाश को, उसकी टॉर्च लाइट को, जो कोई समझ नहीं सकता, उसको ब्रह्मा जी को दिया। आगे या इदम कृपया कसामी
वाचक्षे मुमुक्ष में, कौन है जो ये भागवतम का 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का 20वां श्लोक बार बार ये श्लोक है, किसने किसको दिया, किसने कृपा पूर्ण ये साइंस जो है, ब्रह्मा का साइंस जो है, ये जो विज्ञान है, किसने ब्रह्मा जी को दिया सबसे पहले, जो मुक्ति मोक्ष जो मुक्ति के अधिकारी थे ब्रह्मा जी। श्वेता शरद प्रसन्न में भी लिखा है, यो ब्रह्मा नाम विधाति पूर्वम यो वै वेदम च प्रही नोति तस्मै तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमस्कर वै शरणाम अहम प्रपद। क्योंकि मैं मुक्ति की प्रार्थना करता हूं, मैं इसलिए मैं आपके शरण में आना चाहते हैं भगवान, उन भगवान की शरण में जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया उनके हृदय से, तेने ब्रह्म हृदय आदि कर लिए, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहला ज्ञान दिया। किसने दिया, जो भगवान ओरिजिनल सोर्स है, मूल स्रोत है सारे ज्ञान का और आध्यात्मिक प्रगति का स्रोत। श्वेताश्वत उपनिषद में लिखा है, वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्। वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्। द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ वेदास, ये जो गुप्त रहस्यमय ज्ञान था वेदों का, बहुत पहले भी कल्पों में बोला गया था, बहुत पहले कल्पों में, कल्प मतलब ब्रह्मा जी के दिनों में, ब्रह्म और बृहद बृहदारण्यक उपनिषद में है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद इतिहास और पुराण उपनिषद श्लोक मंत्र जो ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, और सूत्र जो वैदिक स्टेटमेंट का संग्रह है, और विद्या और सूत्रों का और मंत्रों का जो सारा उच्चारण, सब भगवान की श्वास से निकले। पूर्वे ब्रह्म आगे बोला गया, पूर्वे ब्रह्म जन्मलीन नाभि पद्म हैते तथापि त शक्ति नहीं कि च्युति देखीते तबे जावे सर्वे भावे लैला सरन तबे प्रभु कृपया दीले न दर्शन तबे कृष्ण कृपया स्फुरीले सरस्वती तबे से जानीला सर्व अवतार स्थिति। षष्ठी के प्रारंभ में ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमल से उत्पन्न हुए, भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी की कोई पावर नहीं थी देखने की, जब ब्रह्मा जी ने भगवान की पूर्ण शरण ली तब भगवान ने कृपा करके भगवान उनके सामने आए, और भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया, जिसको समझ के वो भगवान के बाकी अवतारों को समझ सके। ब्रह्मा जी को हालांकि भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या, जब पूर्ण रूप से शरण ली तब जाके समझ में आया, भगवान ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी की सात जीवन को महाभारत में बताया गया शांति पर्व, ब्रह्मा जी की सात जीवनों के बारे में। तो हर बार ब्रह्मा जी, ये हमारे टाइम ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी भगवान के मन से भी उत्पन्न हुए हैं। सात जीवन के बारे में बताया गया, तो हमको पता है कि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, बोला गया है कि महाभारत बताया गया है, ब्रह्मा जी भगवान के मन से भी उत्पन्न हुए एक बार, ब्रह्मा जी आंखों से भी उत्पन्न हुए एक बार,
एक बार भगवान के वाणी से भी उत्पन्न हुए, एक बार उनके आंखों से भी उत्पन्न हुए, आंखों से हो गए, एक बार कानों से भी उत्पन्न हुए, एक बार उनकी नासिका से उत्पन्न हुए, और एक बार ब्रह्मा जी अंड से भी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो भगवान को देख नहीं पाए, तब भगवान उन्होंने सुप्रीम भगवान की शरण ली और वो फिर देख पाए। तो ये भी है महाभारत में कि ब्रह्मा जी कई चीजों से कई बार अलग अलग तरीके से उत्पन्न हुए। वेदों में कहा गया इसे नायम आत्मा प्रवचन लभ्य ना मेदशा ना बहुना श्रुतेना यमेवेशा वृणन्तु तेन लभ्यस तस्यैवात्म विवृणत तनु स्वयं। सुप्रीम लॉर्ड है वो एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन से, बहुत बड़े विद्वान के एक्सप्लेनेशन से भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, बहुत सारी वास्ट इंटेलिजेंस बहुत बड़ी बुद्धि से भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं, बहुत ज्यादा श्रवण से भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। वो केवल प्राप्त हो सकते हैं जिसको वो चाहे, जिसको वो चुने, वो जिसको चुने कृपा करने के लिए उसी के द्वारा उसी को प्राप्त होते। सारे लोग करते रहेंगे सब कुछ, लेकिन उसमें से किसी को चुनेंगे वो। ऐसे चुने व्यक्ति को वो ही मैनिफेस्ट इज ऑन अपना स्वरूप बता। तो ऐसा मैंने कि सारी हम क्रियाएं कर रहे हैं और भगवान हमको चुन ही ले, नो, एक किसी को चुनेंगे उनमें से, और चाहे तो सारों को भी चुन सकते हैं उनकी इच्छा के ऊपर। तो जो सर्वव्यापक कृष्ण भगवान है वो अपने उदारता मैग्निफिशियंस की उनके उदार गुणों को शब्द के प्रकाशित करते हैं, और इस तरीके से उन्होंने ब्रह्मा जी को शक्ति दी कि वो अपनी संवैधानिक स्थिति, मूल स्थिति, अपने मूल स्वरूप को समझें और आगे आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करें। इसके बाद शब्द ओम एंड अतः भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के मुख से निकला ओम अतः। इसके प्रणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने अहेतु की कृपा, भगवान की कृपा से अहेतु की कृपा को समझा और भगवान के अनेक प्रकार के लीलाओं को समझा सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में है 1.1.1। ये वो भगवान है जिन्होंने पहला ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पहले जीव, भगवान कृष्ण के प्रॉपर ग्लोरिफिकेशन के बिना, अगर भगवान के शुद्ध भक्त जब तक भगवान कृष्ण के महिमा को नहीं गाएंगे, बिना उस महिमा को सुने जीव इस भौतिक जगत की माया के चंगुल से नहीं फौज पाए। वो केवल वही शब्द बोलता रहेगा, लाइफलेस वर्ड बोलता रहेगा, भौतिक आनंद के केवल लाइफलेस, जिसमें कोई लाइफ नहीं वो वर्ड बोलता है। कहने कृष्ण चंद्रे दुर्जने अवतार तान कृपा विने कार शक्ति जनिवा। भगवान कृष्ण के अवतारों को समझना बहुत मुश्किल है, उनके अवतारों को कौन समझ सकता है बिना उनकी कृपा के। यहाँ पे व्यक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर बताते हैं कृष्ण की जो लीला है उन लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है जो
भौतिक इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। जो भौतिक स्कॉलर हैं, भौतिक विद्वान हैं, वो भगवान की सारी शक्ति को नहीं समझ सकते, भगवान के सारे अवतारों को नहीं समझ सकते, ये नहीं समझ सकते कि कृष्ण जो है उस नारायण के भी मूल स्रोत। वे उनको केवल पॉलिटिकल हीरो समझते हैं कि कृष्ण ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की, और यदुवंशी समझते हैं कृष्ण को परम सत्य नहीं मान के, पूर्ण सब कारणों के कारण नहीं मान के, वो उनको एक सामान्य भौतिक जीव समझते हैं, क्योंकि उनकी अपनी भौतिक धारणा है और उनका रूप भौतिक समझते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो सारे जो लीला अवतार हैं उनके कंबाइन हो जाते हैं उस उनके रूप में। बिना कृष्ण की कृपा के व्यक्ति कभी भी कृष्ण के विज्ञान को नहीं समझ सकता अपने प्रयास से। वही व्यक्ति उनको समझ सकता है जिसके ऊपर कृष्ण चंद्र की कृपा हो, उसी को वो अपने लीलाएं बता सकता है और वही उनकी पूजा कर सकता है। वर्ष आता है, ज्ञाने प्रयासम पूर्वपस्य आगे बोला, अचिंत्य अगम्य कृष्णावतार लीला सही ब्रह्मा भागवते आपन कहिला। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कंक्लूड करते हैं कि भगवान के अवतार जो है, लीलाएं और अवतार अचिंतनीय और सामान्य व्यक्ति की पहुंच के बाहर। जब माता यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा, उन्होंने उसको प्रणाम किया और बोला, मैं आपको आदर पूर्वक प्रणाम करती हूँ, आप अचिंतनीय अप्रकाशनीय, हालांकि आप गुण निर्गुण हैं लेकिन आप सारी गुणों के तो आत्मा है। आप सुप्रीम ब्रह्मा ने आप सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। ब्रह्मा जी भी डिक्लेयर करते हैं कि भगवान की लीला है इनकंसीवेबल है और इनकम्प्रेंसिबल, अचिंतनीय है, अभेद्य है। इस तरह से आदि खंड में भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है। ये सब भगवान की महिमा, फिर आगे चालू होगा भगवान के अवतरण की लीला भी और आगे चालू होगी। ये पहले सब सिद्धांत बता रहे हैं, तो सिद्धांत तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। बाकी जो है इसका वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये हमारा आदि खंड शुरू हो गया। आदि खंड में भगवान के स्वरूप तत्व पहले बताया जा रहा है, उसके बाद उनकी लीलाएं बताई जाएगी। हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। चैतन्य लीला आदि खंड की जय। हरे कृष्ण।